नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के घर को जलाना चाहता है, यदि उसके ही घर में आग लग जाए तो वो क्या करेगा। वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, क्योंकि अपने घर की आग बुझाना बहुत आसान नहीं होता। वहाँ पर सब परिवार के सभी सदस्य भी होते हैं और उन सबको भी संभालना होता है, उन सबको भी विश्वास में लेना होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस नीति का अनुसरण नहीं किया और उन्होंने बलूचिस्तान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रांत है और खनिज संपदा से वो भरपूर माना जाता है, उत्तर पश्चिमी का लगभग, और उसकी सीमा भी अफगानिस्तान से भी लगती है, ईरान से भी लगती है, तो इन दोनों से ही इनकी सीमा लगने के कारण इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए इसी राजनीतिक महत्व का फ़ायदा उठाकर जो चाइना जो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसका उपयोग करना चाहते हैं। किसका? बलूचिस्तान का। क्यों? क्योंकि उनका जो एक है, उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन। वन बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मतलब समूचे विश्व को एक एक नेटवर्क के तरीके से मतलब जोड़ना चाहते हैं, और इन्होंने अपना नेटवर्क जो है 130 से अधिक देशों में फैलाया भी है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विद्रोही है और अफगानिस्तान में भी विद्रोही है। हालांकि अफगानिस्तान को चाइना सहायता देता रहा, जिसके कारण अफगानिस्तान थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो सहायता देती है लेकिन लोग सहायता नहीं देते। और इसी का रूप हमें देखने को मिला जो कल जो है मोहम्मद अली जिन्ना की जो प्रतिमा थी, पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं और भारत के बंटवारे के कारण माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा को क्या हुआ कि बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को क्या किया, नीचे बॉम्ब लगाया और ऐसा उपकरण फिट किया कि 2-3 दिन बाद उसमें ब्लास्ट करके उस प्रतिमा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो ये कहाँ हुआ? ये ग्वादर में हुआ। ग्वादर कहाँ है? ये ग्वादर है, तो ये पाकिस्तान में ग्वादर है, दक्षिण सीमा पे जो है वहाँ पे ग्वादर पोर्ट स्थित है, और वहाँ पे मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा अभी अभी लगाई गई थी, और वहाँ पे मतलब सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट है, तो किसी भी पोर्ट पे सुरक्षा जो है बहुत कड़ी मानी जाती है। इससे पहले भी बलूच विद्रोही ने हमला किया है, वो हमला किया, सैनिकों पे हमला करते रहे हैं कि भाई जो चाइना है उसका अधिकार क्षेत्र हो जाएगा तो हमारा जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा, इसलिए वो समय समय पर हमला करते रहते हैं। इसे चाइना को भी काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है बलूचिस्तान के विद्रोहियों से, और चाइना उनका अपहरण और हत्याएं भी करवाता है, जिससे कि उनका वन बेल्ट रोड जो है प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो सके। लेकिन इतना आसान नहीं है। यदि आप व्यक्तियों को भरोसे में नहीं लेते हो, तो मान लो कल आपने पूरा भी कर दिया तो क्या गारंटी है कि वो प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल पाएगा? तो चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि ऐसे प्रोजेक्टों को बढ़ावा ना दे, बल्कि मानवता के साथ चलते हुए काम करे, जिससे लोगों का भी भला हो, खुद का भी भला हो। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।